साटी ले उगलावत माटी। परीक्षित जी महाराज इस लीला को देख करके सुन करके बड़े दिव्य कृतार्थ हुए, अश्रु बिंदु होने लगा। तो शुकाचार्य जी ने कहा, राजन ये कोई बड़ी बात नहीं, एक बार तो मैया ने उन्हें बांध दिया, जिस परमात्मा के नाम को स्मरण करने से भाव बंधन खुल जाते हैं, मैया यशोदा ने उसी लला को बांध दिया। क्योंकि मैया यशोदा दही बिलो रही थी, लाला सो रहा था, उठ करके आया, पीछे से आसन पकड़ लिया। इतना सुंदर ये दृश्य है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरणयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। लाला के लिए माखन मथ रही थी और गीत गा रही थी। हमारी माताएं जब रसोई घर में जाती हैं, रसोई बनाती हैं, चूल्हा चक्की बनाती हैं, तो गीत गुनगुनाती हैं ना, कौन सा भजन गाती हैं? ऐसे वो बिलना पकड़ के रोटी, और क्या गाएंगी? दिल के टुकड़े हजार हुए एक इधर गिरा। अरे दिल के हजार टुकड़े मत करो, अगर ठाना है मैया यशोदा से सीखो। मैया यशोदा दही बिलो रही है और क्या गा रही? यान यानी है गीतानी तद बाल चरितानी चा दधि निर्मंथने काले। लाला की लीलाओं को ही गीत बना करके गुनगुनाती है। ये माताएं इतने सुंदर सुंदर भजन बना लेती हैं और गा लेती हैं कि पूछो मत मैं। इसलिए मैया यशोदा, लाला पीछे से आए, आंचल को पकड़ा, कहा कि मैया मुझे दूध पीना है। कहा लाला इतनी जल्दी तो उठ के आ गया? बोले हाँ मैं तेरा लाडला हूं, आ गया। अच्छा थोड़ी देर बेटा विश्राम कर ले, बस माखन निकलने वाला है, उसके बाद मैं तुझे दूध पिलाऊंगा। कहा नहीं नहीं मैं तो इसी वक्त दूध पीऊंगा। अच्छा वो कटोरी में निकाल के रखा? बोले नहीं नहीं मैं तो तेरे आंचल का पीऊंगा। अब ये लीला तो बहुत बड़ी दिखलाई नहीं पड़ती, पर ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसके दर्शन के लिए ऋषि मुनि लोग तड़पते हैं, वो मां से हट कर रहा है कि मां मैं तेरी गोद में बैठकर के तेरा दूध पीऊंगा। सोचो यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है, कितनी भक्तिमय है। मैया यशोदा जब दूध पिलाने लगी, उसी समय पर उसने जो दूध गर्म लाला के लिए हो रहा था वो ओवल ओवल करके गिरने लगा। दूध ने ये सोचा कि आज तो ठाकुर जी मां का इतना दूध पी रहे हैं, इतना दूध पी रहे हैं, ये फिर मुझे तो पिएंगे नहीं, और जो जीवन गोविंद के काम ना आए वो किसी काम। इसलिए दूध ने सोचा आत्महत्या कर लूं, तो ओवल ओवल करके दूध में गिर रहा था। मैया यशोदा ने उसको बचाया, और उसको बचाने के बाद में क्योंकि भक्त में वो विजानाती भक्त से तद दुख, भक्त ही भक्त के दुख की आकांक्षा को जानता है, और मैया लाला को नीचे उतार करके दूध को बचाने के लिए जब गई तो कन्हैया को और भी गुस्सा आ गया, और उन्होंने संजात को उपस्फुलतारुणाधरम संदर्श ददवे दधि मंत भजन प्रत्यावसा सुदृष्ट सुना रहो हयास दंगी मत मंत्रम गजे। भगवान श्याम सुंदर ने दांतों को कटकटाया और उठाई एक मथानी, अंतापुर में जितनी बड़ी बड़ी मटकियां रखी थी, मही माखन जितना रखा था, सब तोड़ तोड़ करके नया क्षीर सागर बना दिया। मैया यशोदा दूध को रख करके आई, सोचा चाहे बालक कितना प्यारा हो पर सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, तो मैया यशोदा ने सोचा थोड़ा सा इसको डांटना चाहिए, तो लकुट उठाई, तो लाला भागे, और जब लाला भागे तो आगे आगे गोविंद, पीछे पीछे मैया। तो जब भगवान भाग रहे थे पीछे मैया भाग रही थी, तो भगवान की दो शक्तियां प्रकट हुई, एक कृपा शक्ति और एक लीला शक्ति। लीला शक्ति ने कहा कि मेरे भगवान भागो, इतने भागो कि मैया आपको पकड़ने ना पाए। बोले क्यों? आप तो अनंत हो, अगर अनंत ईश्वर को किसी ने पकड़ लिया तो भगवान की भगवत्ता किसमें रह जाएगी, इसलिए आप भागो। लेकिन कृपा शक्ति प्रकट हुई, कहा गोविंद भागो मत, जितने जल्दी हो जाए इसकी पकड़ में आ जाओ, क्योंकि भक्त आपके पीछे दौड़े, और अगर आप पकड़ में ही नहीं आओ तो फिर आप भक्त आपके पीछे दौड़ेंगे ही क्यों? हम और आप मंदिर में किस लिए बैठे?
इसलिए बैठे हैं कि इसके पहले भी भगवान भक्तों को मिलते रहे तो हमें भी मिलेंगे इसी लालसा के साथ। लेकिन अगर हमें आपको ये मालूम हो जाए कि भगवान तो मिलते ही नहीं किसी को, तो फिर भगवान तो फिर आप क्यों आएंगे। अत्यंत व्याति दिव्यतम भगवान ने लीला की है। मैया यशोदा ने उनको बांधा उखल से, भगवान श्याम सुंदर ने दो वृक्षों का उद्धार किया है, नल कुंवर मणग्रीव ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया महत्व करण सुमन तव योरना तव पादे योरना स्मृत्याम श्रस्तव निवास लिखित प्रणामी, बहुत सुंदर उन्होंने।